तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट बॉक्स ऑटोमेशन के बारे में। लिस्ट बॉक्स में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन कैसे किया जाएगा इसके बारे में। तो और जो 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 लोग सिस्टम से ज्वाइन किए हुए हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक मिनट देखो कितने लोगों ने सिस्टम से ज्वाइन किया। किसी ने सिस्टम से ज्वाइन नहीं किया, सब मोबाइल से ही ज्वाइन कर रखे हैं, तो वो लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ मंथ का लिस्ट दे देता हूँ, चाहे मंथ का लिस्ट डायरेक्ट ऐड ही कर दूंगा मैं, चिंता नहीं की। विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म में हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक लिस्ट बॉक्स लिया और लिस्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रैग कर। अब हम तीन सिलेक्शन होते हैं जानने से, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन और इंडिपेंडेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम एक फ्रेम लेते हैं और फ्रेम में यहाँ डाल देते हैं, और ये फ्रेम वन जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे डाल देता हूँ सिलेक्शन टाइप। सिलेक्शन टाइप, उसके बाद इसमें हम तीन सिलेक्शन डालेंगे। पहला सिंगल, सिंगल सिलेक्शन, फिर इसमें दूसरा आएगा मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, और यहां पे तीसरा आता है एक्सटेंडेड सिलेक्शन। अब तीनों को एक लाइन से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट के अंदर में अलाइन, अलाइन में मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, और फिर इसमें वैल्यू भी तो लोड करना है। यूजर फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखते हैं यूजर फॉर्म क्लिक नहीं, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, जब यूजर फॉर्म ओपन होता है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम, और यहाँ पे देता हूँ जैन, मैंने मंथ ही दे देता हूँ जैन। दूसरा तरीका भी था लेकिन हमने यही तरीका कर लिया, सही रहेगा। आइटम यहाँ पे मार्च डॉट एड आइटम, अप्रैल डॉट मई डॉट एड आइटम, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि एक बटन यहां बना रहा हूं, कमांड बटन। यहां पे हम ओके या कुछ ऐसा लिख देता हूं। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि जितना सिलेक्ट करूं, जैसे कि हमने यहां पे जैन सिलेक्ट कर लिया, सिंगल सिलेक्शन कर दिया मतलब वो सिंगल ही सिलेक्ट होगा, मल्टीपल सिलेक्शन किया तो फिर एक से ज्यादा सिलेक्ट होगा, एक्सटेंडेड सिलेक्शन किया तो फिर जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन। तो चलिए पहले इस काम को हम करते हैं।
यहाँ इस पे डबल क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ कि इफ मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट मल्टी सेलेक्ट इक्वल टू हमने यहां पे कर दिया सिंगल। फिर यहां पे एल्स इफ करते एंड कर देते यहां पे एंड। और इसी तरीके से तीन हमारे पास तीनों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे और एक कमांड बटन टू ऑप्शन बटन टू हो जाएगा और यहाँ भी हम टू कर देंगे और यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट की जगह सिंगल है ना यहाँ पे सिंगल की जगह पे फिर हो जाएगा ए सिलेक्ट मल्टी। फिर वापस इसको कॉपी पेस्ट करे हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा तीन डी थ्री हो जाएगा और यहाँ भी थ्री हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड हो जाएगा। अब तीनों में क्या अंतर है चलिए हम आपको बताते हैं। हमने यूजर फॉर्म को ओपन किया हमने यहाँ से ओपन किया देखिए अगर हमने सिंगल सिलेक्ट कर रखा है तो देखिए सिंगल सिंगल कलेक्ट हो रहा है और हमने मल्टी सिलेक्ट कर दिया तो देखिए क्या होगा कि हम एक से ज्यादा वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक्सटेंड अच्छा एंड इफ नहीं लगा हुआ है माफ कीजिएगा अगर हमने एक्सटेंडेड कर दिया तो फिर जैसे कि ये क्लिक किया और शिफ्ट के साथ हमने यहाँ क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ठीक है। तो ये तो हमने चेंज करना सीख लिया अब बात होती है कि इसकी वैल्यू को कैसे शो किया जाए। मान लीजिए इसकी वैल्यू को मैसेज बॉक्स में हमें शो करना है सारी वैल्यू को तो कैसे शो करें तो इसकी कोडिंग हम करेंगे ओके वाले बटन के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताता हूँ चलिए पहले यहां पे करते हैं कि dim m as a string एक string m नाम से string दिया था वैल्यू हो तो यहां पे for कमांड होगा for i equal to चले 0 से me dot list box 1 dot list count minus 1 तो list count minus 1 ठीक है क्योंकि एक ज्यादा ना हो इसलिए हमने एक कम कर दिया है। उसके बाद बोलता हूं कि इफ मी डॉट लिस्ट वर्क्स वन डॉट सेलेक्टेड कौन सा सिलेक्ट कर रखा है तो हमने इसमें आई दे दिया एक एक करके चेक करेगा सारी वैल्यू को जीरो से लेके जितनी वैल्यू है सबको कि अगर वो सिलेक्टेड है तो एम के साथ वो कंबाइन हो जाए कि एम यहाँ पे m and percent m और बोला कि me dot list box one dot list और उसकी वो वैल्यू जो सिलेक्टेड है जो ऊपर कंडीशन बता रही है उसके साथ कंबाइन हो और ये न्यू लाइन चेंज करने के लिए हमने लिख दिया vv cr lf इसे क्या होगा लाइन चेंज हो जाएगा और यहां पे हम कर देंगे एंड इफ और फिर नेक्स्ट आई। अब इस वैल्यू को मुझे वापस मैसेज बॉक्स को भी देना है
तो यहाँ पे हमें लिखना होगा MSG box, और यहाँ दे देता हूँ कुछ मैसेज लिख देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे कि यू आर सेलेक्टेड, और फिर उसके साथ हम कॉल करा लेट लगा देते हैं, और वही आपका जो किसी को 2 बार लिख देते ताकि नीचे 2 बार आ जाए, और यहाँ पे एम दे देते। देखिए क्या, अब मैं यहाँ पे ओके करता मुझे फॉर्म को रन करता हूँ, तो एक को सिलेक्ट किया, सिंगल सिलेक्शन, एक को सिलेक्ट किया, ओके किया, देखिए यू सिलेक्टेड सी बोलने फॉर जैक। मैं मल्टीपल सिलेक्शन किया और मैं यहाँ से 2 को सिलेक्ट, 3 सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे आ गया कि जैन, मार्च और जून को सिलेक्ट कर। मैं एक्सटेंडेड सिलेक्शन किया और मैंने यहाँ से शिफ्ट दबा के इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, और हमने यहाँ पे किया तीसरा सिलेक्ट। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल सिलेक्शन करने की मल्टीपल वैल्यू को लाने का कोडिंग जो तरीका है, ये तरीका आपके सामने है। राइट, समझ में आया? किसी को कैसे नहीं सर, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल लिस्ट बॉक्स में आप लोग सर बताएंगे आपको इसके आगे की चीजें। सर हाँ पूछिए। हाँ सर एक रिक्वेस्ट है, आप जो ये पीछे की जो 3-4 वीडियो थी वो सर अपलोड कर दो मेगा पे सर ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ, प्लीज। अभी कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था, जैसे जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू है, सपोज मैं अगर इतना ये चाहता हूँ कि अगर मैं ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करूँ 1 2 3 करके, आपने जैसे मंथ में जो लिया था जैन फेब मार्च, तो अगर इसमें से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मार्च सिलेक्ट करूँ और मार्च सिलेक्ट करने के बाद ही कुछ जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो ओपन हो, अदरवाइज वो टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास यूजर फॉर्म में वो ओपन ना हो, मतलब फ्रीज हो जाए। हाँ, तो आप कंडीशन में लगा दिया ना, वो कंडीशन में आप उसकी वैल्यू चेक कर लीजिए, इक्वल टू मार्च है तो टेक्स्ट बॉक्स को विजिबल कीजिए, विजिबल इक्वल टू ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ओके 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 ठीक है। ठीक है। और सर सर एक चीज और थी सर, ऑप्शन बटन को डिसेबल कैसे करना है, मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऑप्शन बटन अनेबल, और देख इन सब, किसी भी यूजर फॉर्म के किसी भी कंपोनेंट को डिसेबल करने के तरीके हैं, अनेबल इक्वल टू फॉल्स तो डिसेबल हो जाएगा, अनेबल इक्वल टू ट्रू तो ट्रू हो जाएगा। अगर तो आप मतलब विजिबल यही नहीं करना यही चाहते, अनेबल डिसेबल रहेगा मतलब दिखेगा बट उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे आप। जी एक जी होता है विजुअल हाइड करना, तो विजुअल इक्वल टू ट्रू करोगे तो अनहाइड हो जाएगा, और विजुअल इक्वल टू फॉल्स करोगे तो हाइड हो जाएगा, ओके। ठीक है ना। वो मतलब क्लियर करने के लिए भी यही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा क्या सर, क्या क्लियर करना था ना, मतलब जैसे जो ऑप्शन बॉक्स रहता है ना, ऑप्शन ऑप्शन रिव्यू बटन वो जो होता है हमेशा, उसमें क्लिक है, उसको आप चाहते हो कि क्लिक ना हो, जी 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 बिल्कुल, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि वो फॉल्स उसके, का जी जो ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, ओके, ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू फॉल्स, ओके ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो सिलेक्ट होगा, फॉल्स होगी तो अनसिलेक्ट होगा। मतलब दो है, दो दो ऑप्शन बटन है, तो उस केस में कैसा होगा कि दोनों को मेरे को एक-एक जब करना मैं पड़ेगा ना, से, दोनों एक साथ दोनों थोड़ी होंगे, ओके 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 ठीक है एक ठीक, दो दो बार कोड लिखने पड़ेंगे, ओके ठीक है। तो ऑप्शन बटन के अंदर ही लिखने पड़ेंगे मतलब वो, या फिर वो क्लियर का जो मैं बटन बनाऊंगा उसके अंदर जाएगा, कहीं भी लिख सकते हो कोडिंग, ओके 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 ठीक है। ओके सर ठीक वीडियो सेंड कर देना सर प्लीज। है ठीक है, फाइल तो सेंड कर दिया है, वीडियो भी सेंड कर दूंगा। ओके सर।